मॉनसून में बारिश के साथ बीमारियां भी आती हैं, क्योंकि इस दौरान तापमान में बदलाव होता है। इसलिए बारिश के मौसम में खास सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। नेफेड इंडिया की तरफ से किए गए ट्वीट में बताया गया कि मॉनसून में कुछ खास चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। बरसात में हल्दी खाने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बरसात के दिनों में इसके सेवन से सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। हल्दी को पानी में मिलाकर पीने के भी कई फायदे हैं। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है। साथ ही ये दिल की सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। हल्दी के सेवन से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और ये स्किन के लिए भी काफी लाभकारी माना गया है। टमाटर में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन के तत्व पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम करते हैं। टमाटर में मौजूद तत्व दिल को सेहतमंद रखने में मददगार है। टमाटर में मौजूद विटामिन सी की अच्छी मात्रा कई तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करती है। वहीं बरसात में दाल का सेवन करना फायदेमंद माना गया है, क्योंकि दालों में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करती है। विशेषज्ञों के अनुसार दाल में रोजाना की जरूरत का 35% फाइबर मिल जाता है। ये प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फोलेट और आयरन का एक अच्छा सोर्स है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।